काल्पनिक व्यक्तियों का उदाहरण बताकर समाज को प्रेरित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक चलते फिरते रोल मॉडल की जरूरत होती है। ये रोल मॉडल सम्मानित होने वाली सावित्री के सशक्त व कर्तव्यवान महिलाओं की तरह होनी चाहिए। यह बातें दत्ता मेघे अभिमत विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने कही। विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान और यशवंत राव चौहान प्रतिष्ठान की ओर से सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने अपने क्षेत्रों में कर्तव्यवान समाज सेवियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गांधी ने की। बतौर मुख्य अतिथि एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, राजा टाकसाले, प्रगति पाटिल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वनमती की संचालिका मिताली सेठी, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, सैनिक कल्याण अधिकारी डॉक्टर मेजर शिल्पा खरपकर, संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर अश्विती दोरजे, यातायात पुलिस उपायुक्त चेतना तिड़के, विभागीय वन अधिकारी गीता नानवरे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्विती दोरजे ने सभी महिलाओं से विश्वास के साथ आगे बढ़ने की अपील की। मिताली सेठी ने कहा कि महिलाओं की प्रगति में पुरुषों का समर्थन काफी अहम होता है। पुरुषों के समर्थन से महिलाएं सशक्त होती हैं। प्रस्तावना एडवोकेट फिरदौस मिर्जा ने रखी। कार्यक्रम का संचालन रेखा दंडिंगे घिया ने किया। आभा प्रगति पाटिल ने व्यक्त किया। जिनके नेतृत्व में हम लोग हमेशा चलते हैं हर अच्छे काम के लिए, वो है हमारे नेता डॉक्टर गिरीश गांधी। जो कल्पनाएं उन्हें आती है, वैसी कल्पनाएं बहुत कम लोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना। आज माता सावित्री बाई को हम याद करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारी माताएं, हमारी बहनें इतनी बड़ी संख्या में पढ़ पा रही है और इज्जत से इज्जत वाली कुर्सी पर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन चला। तो इस दिन को मानते हुए, इस दिन जिन महिलाओं ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स किया है, उनका सत्कार करना, इस चीज के लिए आज का दिन चुना और तमाम सत्कार मूर्तियों को इकट्ठा किया, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा गिरीश गांधी जी को। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।